श्रृंगार गौरी मामला, जिला कोर्ट में मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई पूरी। जिला जज ए के विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने आज पेश किया है रिजॉइंडर। कोर्ट ने अगली तारीख 23 अगस्त तय की है। मामले में कल भी जारी रहेगी बहस। हालांकि आपको बता दें कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। मुस्लिम पक्ष ने आज अपना रिजॉइंडर पेश किया। हालांकि इस पर बहस आपको बता दें कि कल भी होगी। खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर इस पर कल भी आपको बता दें कि बहस होगी। श्रृंगार गौरी मामले पर आपको बता दें कि लगातार बहस जारी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई ठोस फैसला जो है वो नहीं आया है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है। अगली तारीख जो है वो 23 अगस्त है। जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अगली तारीख 23 अगस्त तय की है। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अगली तिथि 23 अगस्त नियत की है। जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने अगली तारीख 23 नियत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा जुड़ चुके हैं। सोनाली, क्या कुछ जानकारी है? एके विश्वेश की अदालत में लगातार सुनवाई जा रही है। अब यह सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि बहस कल भी होगी, अगली तिथि 23 तारीख है। क्या लगता है इस पर फैसला कब तक आ सकता है? क्या अब सिर्फ ऐसे आने की देर है? जी, आपको बता दें कि आज फिर 2 बजे करीब सुनवाई होने वाली है जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में। कल भी सुनवाई हुई थी 2 बजे करीब। कल करीब 1 घंटे 15 मिनट की ही सुनवाई चली थी। मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं समीम अहमद, उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी। और आपको बता दें कि आज फिर जो 2 बजे सुनवाई होने वाली है, आज भी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को ही मौका मिलने वाला है, क्योंकि कल जब मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखी थी, वो वक्त एक्ट को लेकर रखा था। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ज्ञानवापी परिसर जो है वो वक्फ संपत्ति है, क्योंकि जब मुगल के समय की जब ये संपत्ति की गई थी, मुगल जब औरंगजेब के समय ये बादशाहत थी, उस वक्त ही ये जो संपत्ति है वो वक्फ में चला गया था। तो जिसे लेकर जो अधिवक्ता हैं अभिनाथ यादव, मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता जिनकी निधन हो गई, उनकी जगह जो नए अधिवक्ता आए हुए मुस्लिम अधिवक्ता समीर अहमद, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि यह जो केस है वो सिविल जज जो है, सिविल कोर्ट है, वो नहीं कर सकता है, ये वक्फ संपत्ति में चला जाता है। तो जिसे लेकर आज भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जो है उनको मौका मिलेगा, और आखिरी मौका जो है अपनी दलीलें रखने का वो आज उन्हें दिया जाएगा, और उसे कोने काउंटर करने के लिए कल हिंदू पक्ष जो है वो अपनी दलीलें रखने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनाली, अगर हम बात करें तो 23 अगस्त की तारीख जो है वो भी यहाँ पर नियत की गई है। लगातार चाहे दोनों ही पक्ष हो, वो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो फैसला संभवतः कब तक आ सकता है? क्या इसको लेकर कोई कुछ लग रहा है कि ऐसा फैसला अब जल्दी ही आने वाला है इस पर?
जी, जिस तरह से दलीलें रखी जा रही हैं और जो ये कोर्ट केस जो चल रहा है वो बाय वन डे बाय चलता जा रहा है लगातार, तो इसे लेकर यह है कि जो फैसला है वो जल्द आने का संभावना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसको लेकर आज अपनी हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उस पर बहस कर रही है। तो कल उन्होंने बहस की थी, आज भी बहस होने वाली है और फिर आज भी उनको मौका मिलने वाला है, वो अपनी जो चीजें दलीलें जो बच चुकी हैं वो रखने वाले वक्फ एक्ट को लेकर या और भी चीजों को लेकर, और साथ ही साथ फिर कल हिंदू जो अधिवक्ता हैं उनको उनको काउंटर करने का मौका मिलेगा, उसके बाद कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल सुनारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, 23 अगस्त की अगली तिथि नियत की गई है और संभवतः इस पर जल्द ही फैसला भी आ सकता है। आज भी इस पर बहस होगी, कल भी इस पर बहस हुई थी और कल भी इस पर बहस जारी रहेगी।